हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमूल और आप देख रहे हैं टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको मालूम है मोबाइल रेडिएशन कितना ख़तरनाक होती है आपके हेल्थ के लिए? मोबाइल रेडिएशन से आपको कैंसर भी हो सकती है, आप डीप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं या फिर आपका मेमोरी भी लॉस कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट है, जो हर साल 60,000 लोगों की मौत रेडिएशन से ही होती है। तो दोस्तों, इसमें डरने की बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे कायदे कानून होते हैं, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं या माइक्रोवेव यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें रेडिएशन पैदा होती है, उसको यूज़ करने का कायदा कानून बहुत सारे तरीके होते हैं, कितना टाइम यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा इसे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या फ़ायदा है और कैसे यूज़ करें, पूरा डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको रेडिएशन के बारे में जानना होगा। रेडिएशन दोस्तों बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ये स्पेस में ट्रैवल करते हैं वेव्स के जैसे, ऐसे लहर के जैसे ट्रैवल करते हैं। और दूसरा जो है पार्टिकल रेडिएशन। दोस्तों, पार्टिकल रेडिएशन जो है स्ट्रेट जाता है और बहुत स्पीड से जाता है। दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर दोस्तों अब जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विषय में, हमारा चैप्टर जो है आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विषय में। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी टू टाइप के होते हैं, एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो दोस्तों, सबसे पहले आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन किसे बोला जाता है? दोस्तों, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं ना, इसमें एनर्जी ज़्यादा होते हैं, इसके जो रेडिएशन में एनर्जी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इससे हमको क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, हमारे जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर सबसे पहले तो एटम के बाद मॉलिक्यूल, उसके बाद बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स लेके सेल होते हैं, सेल के ऊपर टिश्यूज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एटम है ना, एटम को इस एनर्जी से, एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दिया जाता है। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दिया जाए तो उसमें आयन्स पैदा होते हैं। तो बॉडी में अगर आयन्स पैदा हो तो ये बॉडी के लिए हानिकारक होती है। तो आयन क्या करते हैं, जो बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, कुछ टिश्यू को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यही दोस्तों नुकसान है हमारे बॉडी के लिए। अगर टिश्यू ख़त्म हो जाए, अगर आपका सेल्स डाइज हो जाए तो उसमें बहुत सारे दिक्कतें आएंगी आपको। अब दोस्तों, आयोनाइजिंग रेडिएशन किन किन चीज़ों से पैदा होती है? सबसे पहले तो एक्सरे, दूसरा है गामा रे, तीसरा है कॉस्मिक रे और अल्ट्रा वायोलेट लाइट। इन सब चीज़ों से आयोनाइजिंग रेडिएशन पैदा होते हैं। अगर इन सब चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके टिश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे या सेल्स में इफेक्ट गिरेगा। एक बार करने से नहीं होता है, बार बार करने से होता है, यही फ़र्क होता है ज़्यादातर। पर दोस्तों, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होते हैं, इसमें एनर्जी थोड़ा कम अमाउंट के होते हैं एज कंपेरिजन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें एनर्जी कम होने के वजह से इसके जो एटम्स होते हैं, एटम्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। अगर एटम्स ब्रेक ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें निकलते नहीं हैं कि आयन्स पैदा होते नहीं हैं। पर ये दोस्तों, अगर इसको बार बार आप यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को, अगर ज़्यादा इफेक्ट आपको कर रहा है तो ये चीज़ होने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। दोस्तों, ऐसे नहीं कि बिल्कुल होते नहीं हैं, होते हैं पर अमाउंट थोड़ा कम होता है। दोस्तों, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन किन किन चीज़ों से पैदा होते हैं? सबसे पहले तो अल्ट्रा वायोलेट लाइट। दोस्तों, अल्ट्रा वायोलेट लाइट जो होता है ना, हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट तैयार करने में होते हैं या फिर ट्रीटमेंट में भी लगते हैं। दूसरा नंबर में है माइक्रोवेव्स। दोस्तों, माइक्रोवेव्स क्या है, माइक्रोओवन जो होते हैं, माइक्रोओवन से माइक्रोवेव्स रेडिएशन पैदा होते हैं, वो भी दोस्तों ख़तरनाक है। तीसरा में है रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर रेडियो सिग्नल भी बोल सकते हैं, जिससे हम मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर टावर से हमारे मोबाइल तक जिस फ्रिक्वेंसी से हमको नेटवर्क मिलती है उसको बोला जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और चौथा में है विजिबल लाइट। दोस्तों, विजिबल लाइट किसे कहते हैं, जैसे कि टावर्स में लगे रहते हैं ताकि आप पता कर पाएँ कि यहाँ पे टावर मौजूद है, या कोई इंपॉर्टेंट प्लेसेस में लगे रहते हैं जहाँ से आपको पता चले यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जगह मौजूद है। तो इन सब चीज़ों से इस टाइप के रेडिएशन पैदा होते हैं। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये दोनों में डिफरेंस आप समझ चुके होंगे।
अब बात करेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी में जाती हैं। दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी से मोबाइल फ़ोन्स चलते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगे रहते हैं, उसी तरह टावर्स में भी एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर्स लगे रहते हैं। दोस्तों रिसीवर्स का काम है जो कि फ्रीक्वेंसी को या वेव्स को रिसीव करे, और ट्रांसमीटर का काम है ट्रांसमिट करे, मतलब फेंके। रिसीवर रिसीव करेगा, ट्रांसमीटर फेंकेगा। तो इनसे पैदा होती है एक रेडिएशन जिसको मोबाइल रेडिएशन भी बोलते हैं। दोस्तों जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जब आप फ़ोन करते हैं तो वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जब हम नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं वह फ़ोन चालू रहती हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, पर लगाते वक्त फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 450 से 2000 के बीचों बीच रहती है मेगाहर्ट्ज़। और दोस्तों मोस्ट कॉमन जो होते हैं 800 मेगाहर्ट्ज़ टू 900 मेगाहर्ट्ज़ होते हैं बेसिकली। और दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी के टाइम में 2 वाट्स तक पावर जनरेट होते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी के टाइम में 0.02 पावर जनरेट होते हैं। दोस्तों इससे क्या होते हैं, जब हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं तब क्या होते हैं, इससे रेडिएशन से क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जो है हीट पैदा होती है। ये तो शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए टिश्यू के ऊपर में भी खतरा रहता है। दोस्तों इससे फैलने वाली जो बीमारी हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। दोस्तों शॉर्ट टर्म में फैलने वाली जो बीमारी हैं, सबसे बड़ा चीज़ है मेमोरी लॉस। अब मेमोरी लॉस आप भूल जाते हैं, कुछ काम करते हैं क्या करते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में आप भूल जाते हैं, और डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ छोटे छोटे चीज़ों में सोचते रहते हैं क्या करनी है क्या करनी है। और स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब आपको सोने में कितने टाइम से कितने टाइम तक सोएं, बहुत रात से सोते हैं बहुत लेट से उठते हैं, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर ये मोबाइल से ही होती है। और दोस्तों हेडक, मतलब दिमाग में हेडक होती है, जैसे कि सर धमक जिसको बोलते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म्स की होते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म में कैंसर होता है, डीएनए डैमेज होता है, या ब्रेन ट्यूमर होता है। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना कितना खतरनाक बीमारी है। तो अब मैं इसके बारे में बताऊंगा इससे कैसे बचें, प्रिकॉशन, इससे बचने का तरीका अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप देखते रहिए। दोस्तों इससे बचने का तरीका वही है, जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं एक दिन में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा यूज़ करें बात करने के लिए। एक बार फ़ोन करते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा मत करें, और पूरे दिन में 60 मिनट से ज़्यादा ना करें। और दूसरा सोल्यूशन है, जब आप बात करते हैं तब आप ईयरफोन यूज़ करें या फिर लाउड स्पीकर यूज़ करें, ऐसे कान में लगा के बात मत करें। और जितना पॉसिबल हो सके बॉडी से दूर रखें, रात को जब सोते हैं उसको फ्लाइट मोड कर दें या फिर बॉडी से अलग करके दूसरे जगह भी रखें। ज़्यादातर मैसेज करके कन्वर्सेशन करने का कोशिश करें, फ़ोन न करके मैसेज करें ज़्यादातर। और दोस्तों जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं, जैसे कि कोई रूरल एरिया में हो या फिर जहाँ पे नेटवर्क नहीं आती है उस एरिया में जहाँ जाते हैं, तो उस टाइम में आप उसको फ्लाइट मोड कर दें, क्योंकि जहाँ पे नेटवर्क की कमी होती है वहाँ रेडिएशन ज़्यादा होते हैं, तो आपके बॉडी को उतना इफ़ेक्ट करते हैं। जब ट्रैवलिंग के टाइम में आप मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर दें। और दोस्तों सबसे बड़ी फैक्टर वही है, जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं उसमें एक सार वैल्यू होती है, SAR, जो सार वैल्यू जितना कम होगी उतना आपके लिए प्रॉफिट है, उसमें उतना कम रेडिएशन पैदा होते हैं। तो मोबाइल ख़रीदते वक्त SAR वैल्यू जो होती है वो जितना कम से कम हो सके उसे अच्छी तरह देखें, तब आप मोबाइल फ़ोन खरीदें। तो दोस्तों आप पूरी तरह समझ चुके होंगे मोबाइल फ़ोन से क्या खतरा है, उससे कैसे बचें, क्या करें, पूरे डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को और एक बार फिर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।